बेल आइकन दबाइए और मोटर ऑक्टेन के वीडियोस सबसे पहले पाइए। दोस्तों आज का एपिसोड काफी स्पेशल है क्योंकि हम बताने वाले हैं अबाउट द न्यू जनरेशन होंडा सिविक, और जानना है देखते रहिए मोटर ऑक्टेन का यूट्यूब चैनल। अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट एंड देखेंगे तो ये काफ़ी स्टाइलिश लगता है, और इसे बड़ा सा क्रोम दिया हुआ है जो कंटिन्यू होता है हेडलैम्प के ऊपर भी। हेडलैम्प में ड्यूल प्रोजेक्टर्स दिख रहे हैं हमें, और जैसे ही आप फ्रंट एंड देखोगे ये काफ़ी स्पोर्टी लगता है जैसे पुरानी सिविक थी। तो ये एग्रेशन इन्होंने इस नए जनरेशन में भी कंटिन्यू किया है। आप देखोगे इधर एलिमेंट से यहाँ इंडिकेटर है, यहाँ पे जो अलॉय व्हील से ये डायमंड कट या मशीन कट बोल सकते हैं इसे, मिरर पे भी लाइट है, इसके डोर पिलर्स जो हैं ब्लैक है, और ऊपर आप देखेंगे एक लाइन कंटिन्यू होता है क्रोम की थ्रू आउट द कार। और जैसे ही आप इसका रूफ देखेंगे तो ये स्पोर्टी लगता है काफ़ी, बहुत जल्दी नीचे आ जाता है एकदम क्विक जैसे कोई कूपे गाड़ी हो। और आप जब आप रियर देखेंगे तो ये इस गाड़ी का एक मेजर हाईलाइट है, जिस तरह फ्रंट इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है रियर इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। इनफैक्ट इसके टेल लैम्प्स बहुत कूल लग रहे हैं, और अगर आप ये देखेंगे ऊपर एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी दिया हुआ है, इधर नीचे बूट ओपनिंग का भी ऑप्शन है इसमें, और इसके बाद यहाँ पे एक बूट खुल जाएगा इसे। पर अब हम बूट की जगह आपको इंटीरियर दिखाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। इंटीरियर में मुझे लग रहा है शायद हेडरूम कम हो, पर देखते हैं कितनी जगह है इस गाड़ी में। नी रूम तो बहुत ज़्यादा है, मेरे हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट है। यहाँ पे क्वालिटी भी अच्छी है मटेरियल्स की। अब हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी ठीक ठाक है इस गाड़ी का, लेकिन हाँ इधर एक आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है फॉर दो जने, अगर दो जने गाड़ी से जाते हैं, और अगर तीन जने जाते हैं तो उनके लिए तीन हेडरेस्ट भी हैं इसमें फॉर बेटर कंफर्ट। अब इस गाड़ी में स्पेस मुझे बहुत पसंद आई है, सीटिंग पोजीशन भी अच्छा है इसका मेरे हिसाब से। अब हमें आगे चल के देखना चाहिए गाड़ी में आगे क्या है ऑन ऑफ़र। यहाँ आगे कुछ लिखा नहीं हुआ है सिविक जैसे दूसरी गाड़ियों में आता है, ये लोअर वेरिएंट है तो इसलिए इसमें चाबी है। जो हायर वेरिएंट है उसमें पुश स्टार्ट स्टॉप आता है, ये वेरिएंट में आपको चाबी घुमानी पड़ेगी जैसे मैंने अभी घुमाई। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, बीच में आपको स्पीड एक जगह, फ्यूल एक जगह, कुछ और ये देखेंगे ना आप तो ये टच स्क्रीन छोटा है क्योंकि ये लोअर वेरिएंट है, ये ऑटोमेटिक वर्जन है। इसे ब्रेक होल्ड का बटन है, पार्किंग इलेक्ट्रॉनिक है, और इधर स्टोरेज स्पेस दी हुई है इस गाड़ी में। और अगर आप ये फैब्रिक ये सब देखें तो अच्छा, और ये आर्मरेस्ट काफ़ी कन्वीनियंट लग रहा है मुझे, ये खुल नहीं रहा था हमसे, हमने बहुत कोशिश की, पता नहीं कैसे खुलता है वो। और साइड में जो एलिमेंट्स लगाए हुए हैं ये कपड़ा, इट एक्चुअली मेक्स इट मोर कम्फर्टेबल आपका हाथ रखने के लिए। अब जैसे ही हम गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये म्यूज़िक सिस्टम तो ऑफ कोर्स लोअर वेरिएंट का है, जो हायर वेरिएंट है वो 7 इंच का आएगा, टच स्क्रीन उसमें 7। और इसमें जैसे ही आप और चीज़ें देखोगे तो आप देखोगे कि ये गियर लिवर जो है इसमें ब्रेक होल्ड बाजू में दिया हुआ है, और इकोनॉमी भी दिया हुआ है। इसका जो मटेरियल्स का टच एंड फील है वो भी काफ़ी अच्छा है। अब हम आपको एक चीज़ बता दें, इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी दिया हुआ है, और ये गाड़ी लॉन्च होगी अगले साल कभी, तो मिड 2018 इज़ व्हेन वी एक्सपेक्ट दिस कार टू कम इनटू द इंडियन कार मार्केट। और कुछ जानना है इस गाड़ी के बारे में तो अपना सवाल नीचे छोड़ दीजिए। ये जो वेरिएंट है ये 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन है, और इसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे हिसाब से ये 1.5 या 1.6 लीटर डीजल इंजन के साथ मार्केट में आनी चाहिए, और इसका लॉन्च बहुत जल्द होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आप तक आने वाले हैं।